साल 2024 की शुरुआत भी खुशखबरियों के साथ ही होने वाली है। बॉलीवुड ब्यूटी अनुष्का शर्मा जल्द ही मम्मी बनने वाली हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 2024 में दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं। एक्टर विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर के घर में भी 2024 में ही नन्हे मुन्ने के कदम पड़ेंगे। शादी के 2 साल बाद विक्रांत और शीतल अपने पहले बेबी को वेलकम करने के लिए एक्साइटेड है। वेल, जहां एक तरफ फैंस अनुष्का विराट और विक्रांत शीतल के बेबीज के जन्म का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ और कपल्स ऐसे भी हैं जिनके घर में किलकारियां गूंजने का इंतजार फैंस को 2024 में बेसब्री से है। 2024 रहेगा खुशखबरी वाला साल। नए साल में 2 से 3 हो जाएंगी बॉलीवुड जोड़ियां। शादी के 2 साल बाद गुड न्यूज सुनाएंगे विकी कैटरीना। तो केएल राहुल को पापा बनने की खुशखबरी देंगी अथिया। क्या नए साल में फैमिली प्लानिंग करेंगे सिद्धार्थ और कियारा? जी हाँ, ये है वो जोड़ियां जिनके 2 से 3 होने का इंतजार इनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। और फैंस पूरी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि 2024 में तो ये कपल्स गुड न्यूज सुना ही देंगे। इस लिस्ट में टॉप पर आता है मिस्टर एंड मिसेस कौशल का नाम। 2024 में विकी कैटरीना के घर आएगा जूनियर कौशल। न जाने कब से फैंस विक्की और कैटरीना के मुंह से वो खुशखबरी सुनने का इंतजार कर रहे हैं जो इस जोड़ी ने अभी तक नहीं सुनाई है। साल 2023 में कई बार कैटरीना की प्रेगनेंसी की खबरें सामने आई। वो बात अलग है कि हर बार ये खबर गलत ही साबित हुई है। ऐसे में फैंस को पूरी पूरी उम्मीद है कि 2024 में कैटरीना और विक्की फैंस का ये इंतजार खत्म कर ही देंगे। विक्की कैट की शादी को 2 साल हो चुके हैं। जहां कैटरीना 40 की हैं, वहीं विकी 35 साल के हो चुके हैं। ऐसे में फैंस का मानना है कि कपल के लिए अपनी फैमिली प्लान करने का यही हाई टाइम है। करियर हुआ फ्लॉप, फैमिली शुरू करेंगे अथिया। अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल आने वाली 23 जनवरी को शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं। अथिया और केएल राहुल की जोड़ी बॉलीवुड की पॉपुलर जोड़ियों में से एक है। जहां केएल राहुल टीम इंडिया के पॉपुलर क्रिकेटर हैं, तो वहीं अथिया का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चल रहा है। फैंस मान रहे हैं कि 31 साल की अथिया शादी के 1 साल बाद शायद अपनी फैमिली को बढ़ाने का फैसला ले सकती हैं। 2024 में अथिया और केएल राहुल भी खुशखबरी सुना सकते हैं। 2024 में राघव परिणीति सुनाएंगे खुशखबरी। जी हाँ, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है जिनके घर में किलकारियां गूंजने का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। 2023 के सितंबर में राघव परिणीति ने रॉयल स्टाइल वेडिंग की थी। राघव और परिणीति दोनों ही 35 साल के हैं। अपने रुके रुके से बॉलीवुड करियर की बजाय परिणीति इन दिनों अपनी फैमिली पर ध्यान दे रही हैं। तो फैंस का मानना है कि 2024 में ये कपल भी 2 से 3 हो सकता है। सिद्धार्थ कियारा के घर गूंजेंगी किलकारियां। बॉलीवुड की मोस्ट क्यूटेस्ट और सक्सेसफुल जोड़ी है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। 7 फरवरी को सिद्ध कियारा अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। अक्सर फैंस उनसे सवाल करते हैं कि सिद्ध कियारा कब खुशखबरी सुनाएंगे। हो सकता है कि 2024 में फैंस का ये इंतजार खत्म हो जाए। यामी गौतम और आदित्य धर होंगे 2 से 3। 2021 में प्राइवेटली वेडिंग करने वाले यामी और आदित्य हैप्पीली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दोनों अक्सर परफेक्ट कपल गोल्स देते दिखते हैं। माना जा रहा है कि शादी के 2 साल बाद ये कपल भी नन्हे मुन्ने को वेलकम करने की खुशखबरी सुना सकता है। वरुण नताशा के घर आएगा बेबी नंबर 1। वरुण के पापा बनने और नताशा धवन की प्रेगनेंसी की खबरें तो कई बार आई, लेकिन हर बार ये गलत ही साबित हुई। अब जहां वरुण की बेस्ट फ्रेंड आलिया भट्ट मम्मी बन चुकी हैं, तो हो सकता है कि वरुण और नताशा भी आलिया रणबीर की देखा देखी अपनी फैमिली स्टार्ट करने का मन बना लें और 2024 में खुशखबरी का ऐलान कर दें। दीपिका रणवीर के घर आएगा जूनियर दीपवीर। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह वो जोड़ी हैं जिनके घर में किलकारियां गूंजने का इंतजार तो फैंस कब से कर रहे हैं, लेकिन दीपवीर हैं कि फैंस की इन उम्मीदों को हर बार तोड़ रहे हैं। वैसे दीपिका का फिल्मी करियर जिस तरह से बुलंदियों पर है, उसे देखकर कहना मुश्किल है कि आने वाले वक्त में ये कपल जल्द ही खुशखबरी सुना सकता है। लेकिन फैंस का दिल है कि मानता नहीं, वो तो यही चाहते हैं कि 2024 में इनके अंगना में भी जूनियर दीपवीर आ ही जाए। ब्यूरो रिपोर्ट E24।